शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मना कराया ना उसको, अब ये छुट्टी आपका काम वापस नहीं करेंगे। मना कर दिया ना उसको। देखो जिगर भाई, एक बार मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो यार, एक बार उस एमएलए को तो अंदर ले लेने दो यार, फिर उस शर्जील को तो ठोंक दूंगा मैं। वैसे भी अवनी को कौन सी किसी के सामने अग्नि परीक्षा देनी है यार, और मुआवजा दिला तो रहे हैं उसे हम, उस बच्चे की भी जिंदगी बन जाएगी। देखो जिगर भाई, तुम्हारा बहुत एहसान है यार मुझ पे, बस आज रात को थोड़ा सा नाटक कर लेना यार, और ऐसी गंदी गंदी सूरतें मत बनाओ यार। चलो अम्मा, कल रात को काम नहीं था? नहीं, आज रात को है। चल मिंटू, पकड़ मुझे, पकड़ मिंटू। ओ पकड़ लिया मिंटू ने। मिंटू, आज चॉकलेट खाएगा? जा अंदर जा, ले क्या जल्दी से। भाभी, मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, एहसास है हमें, बस आज रात, इसके बाद इस दलदल से निकालने की गारंटी मैं लेता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बढ़िया जी। तेरे बेटा सर खाना वाना? अरे नहीं नहीं, खाना वाना रहने दो, गांव में दौरा चलता रहता है ना, मीठा मीठा खाते रहते हैं, गंदा खाना गंदा पानी गांव का, उससे पेट गड़बड़ है। वो खाशा वाली सेटलमेंट करवाना है इनकी, ख्याल रखना इनका, मैं आगे तक करवाऊंगा, चिंता ना करें आप जी। आपके फादर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सब काम निपट जाएगा। आप वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है चलिए। बड़ी खूबसूरत हैं आप तो। बच्चे का नहीं साले, तू साले ध्यान छोड़ दे, तू समझता क्या मुझ पे उल्टी करवाता है साले, मेरी बच्चे ध्यान छोड़ दे, तेरी जमीन तेरा ये सब ध्यान छोड़ दे, और यहां ध्यान छोड़ दे आप, अरे चल क्या है, चुप कर, अरे मुझ पे उल्टी करवाता है। अबे गुरुजी का, अबे तूने गुरुजी का प्यार देखा है? वो पे गुस्सा नहीं दिखा कुत्ते, अरे चुप कर। बच्चे का नहीं साले, तू बचने वाला नहीं। नीचे कर ले बेटा, विक्की नीचे कर। जिगर भाई, सब कुछ उस शंकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? कौन शंकर? वो ड्राइवर, लाला का दोस्त है ना, जिसके साथ अपनी भाभी और मिंटू दिल्ली गए थे। आप दिल्ली गए थे ना? उस रात को आया था वो, लाला ने उसे भेजा था अपनी भाभी के पास। झोपड़े में? ये बात आप लाला को मत बोलना कि मैंने बताई है। Thank you.
मिंटू चाचा ले जा, नीचे ही रहिए। अब बस और नहीं होगा मुझसे। एक बार बताया तो होता, सब लोग कितनी मुसीबत में आ गए हैं। शंकर अच्छा आदमी है, कोशिश कर लो, जिगर से मैं बात कर लूँगा। अरे शंकर यार, इतना सब कुछ चल रहा है, तुम तो बता देते। अरे उस रात मैंने सब सुन लिया था यार। अच्छा खैर छोड़ो, कल सुबह ढाबे पे आ जाओ। कल सुबह शंकर आ रहा ढाबे पे, जिगर से साफ साफ बात कर लेंगे। अभी ढाबे पे चलते हैं। जिगर को ये लगने लगा था कि ढाबे वाले उसका साथ देते देते थकने लगे हैं। उसने इस लड़ाई को अकेले लड़ने का मन बना लिया था। शहजाद भाई, मेरी मीटिंग हुई उस पुलिस ऑफिसर से, उसने मुझे बताया कि एमएलए का ढाबे वालों के साथ झगड़ा हो गया है, और सर्जिल भाई का तो पहले से ही उन ढाबे वालों के साथ झगड़ा चल रहा है। तो वो मुझसे कह रहा था कि कैसे भी करके एक बार उसे ढाबे पर भेज दो, बाकी सब वो संभाल लेगा, और पैसे की बात हो गई मेरी उससे। ठीक है, तुम जाओ। जी। अवनी, तुम्हारे घर के कागज। लाला ने मुझे बताया शंकर के बारे में, तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। सब लोगों ने बताया शंकर एक अच्छा आदमी है, मिंटू से बहुत प्यार करता है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। भरोसा तो मैंने अपने माँ बाप पर भी किया था, जिन्होंने मेरी शादी मेरी उम्र के दुगने आदमी से करा दी। भरोसा तो मैंने अपने पति पर भी किया था, जिसने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। भरोसा तो मुझ पे भी किया था ना, मैंने क्या बना दिया तुम्हें। मेरे अपनों ने जब मुझे हर तरीके से जलील करना अपना हक समझा, तुम लोग कम से कम शर्मिंदा तो हो। यहाँ आकर मिंटू को थोड़ा सा प्यार तो मिला। समझ लो तुम्हारी लड़ाई बस अब यहीं तक थी। और तुम्हारी लड़ाई का क्या? पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें शिकार बनाकर मैं ये लड़ाई जीत भी गया ना, तो सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाऊंगा। Thank you.
अरे जिगर फोन नहीं उठा रहा यार। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। शर्जल शायद अंदर है। तो बैठो। इधर बैठो, बात करनी है। बैठो। ये सब क्या चल रहा है? बहुत पीने लगे हो आजकल? शर्जल तुम मेरे खून हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। लेकिन तुम जो ये ढाबे में जाके करते हो ना, पता है उसका नतीजा क्या हुआ है? वो लड़की जिसके साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, वो उन ढाबे वालों के साथ मिल गई है और वो कल कोर्ट में जाके तुम्हारे अगेंस्ट रेप का केस फाइल कर रही है। मैंने रेप में किया है, देखा देता हूं उन्हें। पैसे देते हो, मुझे पता है किस किस को पैसे दिए तुमने, लेकिन पता है ये साबित करते करते 10 साल गुजर जाएंगे जेल की दीवारों के पीछे, मर जाएगा वो बुड्ढा बाप और मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। देखो तुम अगर इस बारे में कुछ कर सकते हो तो अभी करो, जाओ कुछ करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझसे कहो, मैं कुछ करता हूं। शर्जल हेमंत चल गाड़ी निकाल। हेलो जिगर भाई। हाँ शर्जल, अभी अभी बहुत गुस्से में यहाँ से निकला है, ढाबे की तरफ, बहुत गुस्से में है। उसने दारू भी पी है, वो कुछ भी कर सकता है, आप संभालो जरा। हाँ अब क्या होगा? शर्जल को शांति मिल जाएगी और हमें ढाबे वाली जमीन। सरजिल, अरे सरजिल, सरजिल, सरजिल रुक तो, रुक रुक सरजिल, बात तो सुन सरजिल, अरे सरजिल सुन तो सही, अंदर कराओ मुझे, सरजिल, सरजिल मान तो सही, सरजिल, सरजिल, अरे सुन तो सही यार मेरी बात, कोई है नहीं यहाँ पे, अरे हट, हट, ना, चला, चला, सरजिल ये गलत है सरजिल, उठाओ इसे, इसको ये सब अब नहीं करना सरजिल, अबे हम मान जा सरजिल, मान जा, देख अबे उठा के लेके जा इसको, मत कर यार ये सब, तेरी मौत की साली अंदर कराएगी।
जला के मार डाला सालों ने और सबके सब फरार हो गए। मिलते ही इनकाउंटर कर दूंगा एक एक का। कौन है बे तू? तू था वहां पर? ए था, था था वहां पर, बता साले मिंटू, ये था वहां पर ना। साहब से पूछो ना, मिंटू को ले जाऊं? साहब जाने दो ना इसे। नाम पता लिखवा दो इसका और उसे बोलना हर हफ्ते हाजिरी देके जाए। सुन, बच्चे का ख्याल रखना। जी। शहजाद ने इंस्पेक्टर शैलेंद्र और एमएलए के साथ मिलकर जिगर पे दबाव डाला कि वो ढाबे की जमीन से कब्जा छोड़ दे और उसने अवनी के कत्ल के इल्जाम में शर्जिल को अंदर करवा दिया। Congrats, they like the story. Really? Yeah. Thank you so much. That's okay. अभी भी उदास हो? Come on, cheer up. उन्हें तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई। वो मेरी स्टोरी नहीं है। जो भी है, पर अब सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं। Oh God, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो? तुम कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो। You know what? जूबी क्या बोल रहा था? कि तुम ही जिगर हो। I mean, he's such a fool, ना? अरे बाबा, आप इतने अच्छे से नरेट करते हो स्टोरी, तो किसी को भी लगेगा कि तुम ही जिगर हो। अच्छा सुनो, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम अपने शैक का लोन भी पे कर सकते हैं ना? सो लेट्स गेट मैरिड, शादी कर लेते हैं ना प्लीज। निधि, मैं थक चुका हूँ तुमसे झूठ बोल बोल कर। तुम्हारा दोस्त जूबी सही है, मैं ही जिगर हूँ। बार बार तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाता था कि शायद मैं जिगर को जस्टिफाई कर सकूँ और उसके बाद बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिना किसी गिल्ट और डर के साथ जी सकूँ। लेकिन तुम्हारा गुस्सा जिगर के लिए वैसे का वैसा ही है। कहानी को बेचकर जो पैसे मिले हैं उसमें तुम्हारे शेख का लोन उतार दिया है। कुछ पैसा शंकर को भेज रहा हूँ मिंटू की पढ़ाई के लिए। विक्की और लाला को भी पैसे भेज दिए हैं ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मेरी उदासी की बहुत सारी वजहें हैं, उनमें से एक वजह वो ढाबा भी है जिसकी वजह से न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। मेरे पिताजी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो ढाबा ही था। जब तक उन्हें वो ढाबा नहीं मिलेगा वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। हो सके तो मुझे माफ कर दे। दरिया में मैं ढाबे में वापस जा रहा हूँ।